इस देश के अग्रणी किसान नेताओं के प्रथम पंक्ति के नेता रहे। बहुत कम ऐसे किसान नेता हैं जिन्होंने इस देश की राजनीति के अंदर ना केवल दखल किया बल्कि अहम स्थान हासिल किया। चौधरी चरण सिंह जी आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख नेता थे उत्तर प्रदेश के अंदर, और कई बार उनकी स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर गिरफ्तारी हुई। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो पहली गवर्नमेंट बनी थी 1937 में, उसके अंदर भी वो मेंबर चुने गए थे और छपरौली से वो एमएलए बने थे आज़ादी के पहले। और उस समय उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर के, कृषि उत्पादों का को लेकर के उन्होंने एक बिल उस समय पेश किया था आज़ादी के पहले। और उसके बाद में लगातार आज़ादी जब देश को मिली, उसके बाद से वो लगातार चुनाव लड़ते रहे, लगातार चुनाव जीतते रहे। और एक ऐसी परिस्थिति बनी जब 67 में उन्होंने संविद सरकार का नेतृत्व किया, वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। और उन्होंने रेवेन्यू मिनिस्टर के तौर पर, और उन्होंने जो योगदान किया लैंड रिफॉर्म्स का, जो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स माने जाते हैं भूमि सुधार के, वो चौधरी चरण सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर किए गए। और ये सभी जानते हैं कि वो इस देश के पांचवें प्रधानमंत्री भी वो बने, बहुत कम समय तक रहे। लेकिन उनका एक जिसे कहते हैं कि एक मुख्य वाक्य था, वो ये कहते थे कि किसान का एक नज़र हल के ऊपर होनी चाहिए और दूसरी नज़र दिल्ली की गद्दी पर होनी चाहिए। उनका कहना था कि जो भी कुछ परिवर्तन किसान के जीवन में आ सकता है वो राजनीतिक तब्दीली के साथ आ सकता है, सत्ता को हासिल करके आ सकता है। तो उन्होंने ये केवल कहा नहीं, उन्होंने इसको पूरे जीवन में अपनाया। और मुझको लगता है कि किसानों के बीच में इतना एक लायक व्यक्ति, जो प्रशासनिक क्षमता भी रखता था, जो कानून की जानकारी भी रखता था, जो किसान के दर्द को भी समझता था, जिसने किसान की आवाज़ को भी मुखर करने का काम किया, उनका नाम चौधरी चरण सिंह था। और इसीलिए इस देश के अंदर जब तक किसान आंदोलन चलेगा, जब तक एक भी किसान रहेगा, तब तक चौधरी चरण सिंह का नाम अमर रहेगा।